आज के हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हमीदा सईद, जनाब गुलाम अब्बास जान साहब, हमारे आई के एम टी के चेयरमैन जनाब शेख रजाई साहब, हमारे फॉर्मर सी सी एम एल ए जनाब अज़हर करबलाई साहब, उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए, ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे ख्वाजा सईदीन लाइब्रेरी के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का कि फ़र्स्ट फाउंडेशन पे उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें मौका दिया लाइब्रेरी को देखने का। तो हमें, चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस लाइब्रेरी में आया हूँ, हालांकि सुना बहुत कुछ था और इसके वीडियो क्लिप्स भी मैंने देखे थे, तो काफ़ी मुतासर हुआ कि बहुत बेहतरीन एक सेटअप, एक शुरुआत जिसकी आज के दौर में बहुत ही ज़रूरत है, वो सेटअप आप लोगों ने यहाँ पे किया है। उसके लिए इसके साथ जो भी जुड़े हुए हैं, बिलखसूस जो इदारा है इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट है, उनके पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, उनके चेयरमैन, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। पर्टिकुलरली जो यूथ्स, जो वॉलेंटियर्स इस लाइब्रेरी में इन्वॉल्व हैं, जो नाम आप लोगों ने चुना है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सोच समझ के जो है वो नाम आप लोगों ने चुना है। ख्वाजा गुलाम सईदीन का जो कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क में, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में है, वो हम सब जानते हैं कि वो उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एक राइटर ही नहीं रहे बल्कि उनका एक बहुत ही कंट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने में मुल्क के। वो एजुकेशन सेक्रेटरी रहे और सबसे बड़ी बात है कि 1938-40s में वो हमारे J&K के डायरेक्टर एजुकेशन रहे उस दौर में। तो हम खुद जानते हैं कि उस दौर में, क्योंकि उस वक्त एक शुरुआत थी, पूरा एक निज़ाम को बनाने की एक शुरुआत हो रही थी, तो उस निज़ाम के शुरुआत में उनका कितना कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क को भी और हमारे रियासत को भी कितना है, वो हम सब बखूबी जानते हैं। जब हम उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो उनके किताब आपका आंधी में चिराग को जो है बेहतरीन, उनके उस किताब को जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड भी मिला है, हमारे भारत सरकार ने उनको दी। उसके बाद 1967 में उनको जो हमारा हाईएस्ट थर्ड सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण, उनसे भी उनको नवाजा गया है। तो उनसे हमें मालूम होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है कितना था हमारे देश के तालीमी को सुधारने में। राइटर तो अलग है, उन्होंने खुद बहुत सारी किताबें भी लिखी, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस मुल्क को दिया, इस सोसाइटी को दिया, वो वाकई एक काबिल तारीफ है। और आप लोगों ने उनको एक रिकॉग्निशन दी, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है यहाँ पे लद्दाख में या करगिल में, उनको उनके बारे में बहुत कम इल्म हुआ होगा, तो इन ये नाम दे के उनके जो कंट्रीब्यूशन है उनको हमारे खत्ते में भी, हमारे पूरे खत्ते में जो है एक रिकॉग्निशन आप लोगों ने देने की कोशिश की है। बाकी रहा आपका लाइब्रेरी का सेटअप करना, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में अभी जो पहले के लाइब्रेरी और अभी के लाइब्रेरी में कुछ फ़र्क हम समझते हैं, क्योंकि पहले लाइब्रेरी हुआ करता था आपका जहाँ पे हम बुक्स रखते थे रेफरेंस के लिए, लोग किताबें वहाँ आके पढ़ते थे, किताबें लेते थे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। लेकिन जब जब टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी डिजिटलाइजेशन हुआ, इंटरनेट आ गई, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी आपके हाथ में है। किसी चीज़ के भी रेफरेंस अगर आप लेना चाहें तो आप इंटरनेट के जरिए कोई भी रेफरेंस आप जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आज के दौर में लाइब्रेरी की अहमियत जो है वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमें एक माहौल जो है पढ़ने का, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं या पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उनको आज के दौर में अगर कमी है तो एक काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, एक शांत माहौल की ज़रूरत है, जो उनको एक लाइब्रेरी में मिलता है आज। अदरवाइज इंफॉर्मेशन तो अभी आप चलते चलते इंटरनेट पर भी आप ले सकते हैं, रेफरेंस आप ले सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं होता है। अगर हम अपने घर में भी देखेंगे आज के दौर में, कोई टीवी के साथ है, कोई मोबाइल के साथ है, तो मतलब उसको वो माहौल पढ़ने का, चाहे वो हॉस्टल में हो, चाहे आप किसी कॉलेज में हो, तो आज के दौर में जो लाइब्रेरी का ज़्यादा यूसेज मैं समझता हूँ कि एक काम एंड क्वाइट माहौल जो इन्वायरमेंट के लिए जो है हमारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं,
वहाँ पे आपका इंटरनेट लगा होता है, किसी चीज के बारे में रेफरेंस लेना हो तो वो ले लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर बुक्स, बुक्स भी बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमारे बच्चे तैयार करते हैं, तो सारे किताबें खुद जाती तौर खरीदना उसके लिए जो है एफर्ट नहीं कर पाता है, तो वो लाइब्रेरी का भी फायदा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे दिया है IKMT ने या इनके बाकी वॉलंटियर्स ने, वो एक काबिले तारीफ है। सेकेंडली आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, आपके जो आपका हेल्थ में जो आपका कंट्रीब्यूशन है बाकरिया के नाम से, आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें एक मेजर एक्टिविटी आपका हेपेटाइटिस फ्री कारगिल के नाम से एक मुहिम चला रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह एक नई चीज़ आप लोगों ने शुरुआत की है जिससे मैं काफ़ी मुतासर हूँ आपका, बसीज ज़रात, क्योंकि हमारा 80% पॉपुलेशन जो है वो ज़रात पर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमारे जो हमारे पास गवर्नमेंट ने मुझे लगता है आज के डेट तक करोड़ों क्या अरबों रुपया इस फील्ड में खर्चा किया होगा, लेकिन एक नई चीज़ जो वाकई है एक पर्टिकुलर एक फार्मर को टारगेट करता है, वो हम लोगों ने कभी भी अपने प्लान में नहीं किया। जो आप लोग आज जो बसीर की ज़रात कर रही है, नई टेक्नोलॉजी के साथ नई नई चीज़ें ला रही है, रिसर्च सेंटर्स बना रहे हैं, तो मैं उस चीज़ की भी बहुत ही सराहना करता हूँ। बाकी आपका एजुकेशन में तो वैसे भी आप इतने सारे स्कूल्स, मुझे लगता है कोई 15-16 स्कूल्स आप लोग चला रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज के दौर में हमें ये देखना है कि हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वरना क्रिटिसाइज करना जो आज के दौर में बहुत आसान काम है, कोई भी खड़ा होकर बोल देगा भाई तुम क्या कर रहे हो, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते हैं कि भाई मैं खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए, या मेरा इदारा क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये आज के दौर में बहुत ज़रूरत है, और आज के दौर में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे कारगिल में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जाना चाहिए। बाकी चीज़ें आपका सड़कें बनना, बाकी आपका रोड बनना, वो भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट साथ साथ चले, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब तक मैं अपने नॉलेज को, जब तक मैं अपने स्किल को डेवलप नहीं करूंगा, ना मेरा सड़क अच्छा बनेगा, ना मेरा रोड अच्छा बनेगा, ना मेरा बिल्डिंग अच्छा बनेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यही जो लाइब्रेरी का कंट्रीब्यूशन है आपका, ये भी एक आपका एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। इस तरह बाकी बसीज में आप इतने अवेयरनेस कैंप्स, इतने ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इन चीज़ों की तरफ हमें अब ज़्यादा ध्यान देना होगा, अगर हमने वाकई अपने नए जनरेशन को अगर दुनिया के साथ अगर मुकाबला करवाना है, तो हमें इन चीज़ों की तरफ इन्वेस्ट करना होगा, न्यू जनरेशन पे फोकस करना होगा। हमारे जो है सोसाइटी, हमारा कारगिल हो, लद्दाख हो, सारा जो है आपका आने वाला फ्यूचर जो है उन्हीं के हाथ में है। तो हमें ज़्यादा मैक्सिमम टारगेट ग्रुप हमारा जो है न्यू जनरेशन टारगेट बना के हमने चलना है, कोई भी फील्ड हो आपका, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, तो वो सारी चीज़ें हमारा टारगेट करके चलना चाहिए, जो आप लोगों ने एक बहुत अच्छे बनाया है। दूसरा आपका जो बसीज वॉलेंट्री ग्रुप है, जो किसी भी डिजास्टर में या किसी नेचुरल क्लाइटी में जब भी कहीं पर कोई आपदा आता है, तो सबसे पहले आपके जवान पहुँचते हैं, हेल्प करते हैं, रेस्क्यू में मदद करते हैं, गवर्नमेंट को भी मदद करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर आपका बहुत ही मशहूर हूँ कि हमें यहाँ पे बुलाया है, और मैडम भी यहाँ पे आज तशरीफ लाई है, ये हमारे प्लानिंग कमीशन की फॉर्मर मेंबर भी रही हैं। तो मैं बाकी रहा आपका व्हाटएवर जो भी मुझसे कंट्रीब्यूशन हो सकता है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन या कोई सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एक प्रपोजल जो मैं दे सकता हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा, उसके लिए आप बिना झिझक मेरे पास आइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों में मैक्सिमम पैसा जो है हमें इन्हीं चीज़ों में लगाने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है एक नई चीज़ आप लोगों ने लाइब्रेरी की कंसेप्ट दी है, जिसमें हमारे बच्चे जो है मैंने काफ़ी सुना है इसमें जगह नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।